नमस्कार दोस्तों, आपका प्रगति मीडिया में आपका एक बार स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, ये भारत का बहुत बड़ा मुद्दा रह चुका है। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, ये इस मुद्दे को लेके हजारों लोग सड़कों पर आ गए थे, हजारों लोग संगठन बना के गए थे और दिल्ली की सीमाओं पर भी बैठे हुए हैं। आप समझ चुके हैं, हम बात कर रहे हैं कृषि कानून को लेके। तीन कृषि कानून जो भारत सरकार द्वारा बनाए गए थे, इसको लेके काफ़ी विवाद उठा, काफ़ी किसानों की मौत भी हुई, काफ़ी किसान अभी भी दिल्ली सरकार के दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और उनकी बस एक ही कामना थी कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले आज हम तीन बातों पर चर्चा करेंगे। पहला हम ये जानेंगे कि आज एक साल बाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून को वापस क्यों लिया है। दूसरा हम ये जानेंगे कि कृषि कानून को लेके इन्होंने सही किया या गलत किया। तीसरा हम जानेंगे कि कृषि कानून को लेके किसानों को क्या फ़ायदे थे, क्या नहीं था। पहला हम जानते हैं कि कृषि कानून को नरेंद्र मोदी जी ने आज एक साल बाद वापस क्यों लिया है। पहले तो हम आपको ये बता दें कि कई राजनीतिक संगठन इस पर विरोध उठा रहे हैं। कई राजनीतिक संगठनों का ये कहना है कि अगर कृषि कानून को वापस ही लेना था तो आपने एक साल बाद में क्यों लिया है। इसमें काफ़ी किसानों की मौत हो चुकी है, काफ़ी किसान अपनी सड़कों पर आ चुके हैं, उनकी गरीबी हो चुकी है, काफ़ी किसान जो सैकड़ों मील दूर से आए थे, लेकिन अब जाके उनको एक साल बाद में इस तरह का आपने जो फैसला दिया है, इस पर राजनीति है क्या। तो मैं आपसे इससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि इसके पीछे जो पब्लिक रिएक्शन है, उनको लगता है कि इसके पीछे सत्ता का राज है। सत्ता होता क्या है? ये जो नरेंद्र मोदी जी का किसी का भी फैसला होता है, वो सत्ता होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी सत्ता, जो राजनीतिक जो मुखिया होता है, वो कभी भी जो फैसला लेता है वो अकेले नहीं लेता है, वो हमेशा टीम के ऊपर लेता है। जो उसके आसपास के जो उसके टीम मेंबर होते हैं, उनके निर्णय पर ही वो फैसला लेता है। तो हम यहाँ पर ना तो नरेंद्र मोदी जी को गलत कहेंगे, ना हम नरेंद्र मोदी जी को सही कहेंगे, क्योंकि उनको अपनी सत्ता भी देखनी है। वो प्रधानमंत्री के जिस पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें पूरा देश के साथ में अपनी पार्टी को भी देखना है। तो इसके पीछे जो रीजन लगता है कि आज कृषि कानून को वापस लेने का, इसके पीछे लगता है राजनीतिक एक संगठन। अभी थोड़े दिन पहले पेट्रोल के दाम कम किए गए थे, अब जाके कृषि कानून को वापस लिया गया है। थोड़े दिन बाद में इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अभी धीरे धीरे देखना, लोगों के बीच में इमेज अच्छी बनाने के लिए इनको हर राजनीतिक संगठन को कुछ ना कुछ करना होता है। कृषि कानून को लेके बहुत सारे किसान काफ़ी खुश थे, काफ़ी किसानों को कहना था कि इस कानून से लेके हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमें एक अच्छा मुआवजा मिल रहा है, हमें सही मिल रहा है, लेकिन काफ़ी किसान इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। जो किसान परेशान थे, नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह अनाउंसमेंट में ये भी कहा था, हमने काफ़ी किसानों को समझाने की कोशिश भी की, हमारे जो वैज्ञानिक थे या हमारे जो संगठन थे, जो हमारे अर्थशास्त्री थे, जो भी हमारी टीम थी, हमने काफ़ी किसानों को समझाने की कोशिश की, एक साल तक हमने प्रयास किया, लेकिन किसानों का मानना ये है कि कानून को वापस ले लिया जाना चाहिए, तो हम उनके पक्ष में हैं और हम अपने जो हमारा तीन कानून थे उनको हम वापस ले लेंगे। लेकिन इन कानूनों को लेके कुछ किसान भी खुश थे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कृषि कानून को लेके लोगों के मत क्या थे, किसानों के मत क्या थे और इस पर राजनीतिक संगठन क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।